जय हिंद दोस्तों। ओआरओपी 2 में जेसीओ ओआर और प्रमेचर एक्स ग्रुप के अधिकारों का हनन हुआ है। ये सूबेदार साहब ने डायरेक्ट चेतावनी दी है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को, और उन्होंने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट को कमजोर करने की कोशिश की गई है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑर्डर दिया था ओआरओपी रिवीजन का, उस लेटर को जारी किया गया था, और उसके बाद ओआरओपी जो टेबल बनाई गई है वो अलग हिसाब से बनाई गई है, यानी कि उसमें उसका मैच नहीं है। सबसे पहले तो मैं एक इसके बारे में बात करूंगा, उससे पहले एक नई एडवाइजरी जारी हुई है एनसीआईबी हेडक्वार्टर की तरफ से है, आवश्यक जानकारी है, इसको जानना जरूरी है। वाहन चेकिंग के दौरान ना तो गाली दे सकते हैं ना ही प्रभावित कर सकते हैं, यानी कि जब आपकी कोई वाहन चेकिंग करता है पुलिस का अधिकारी या पुलिस का कोई कांस्टेबल, तो आपको ना तो गाली दे सकता है और ना ही आपको प्रभावित किसी तरह का ऐसा कर सकता है। अगर एक्सपोजर करे तो उस दौरान कैमरे का इस्तेमाल किया जा सकता है, आप कैमरे का इस्तेमाल कर सकते हैं, इस पर कोई पाबंदी नहीं है। इसके अलावा गुप्तचर को फोन या कैमरा खोलने का अधिकार भी नहीं है, यानी कि आप अपना कैमरा से ऑन कर सकते हैं अगर आपकी वाहन चेकिंग के दौरान कोई ऐसी चीज आती है सामने। दूसरी बात है, जो जेसीओ साहब ने एक चेतावनी जारी की है, जो ओआरओपी पर जो जेसीओ और एक्स ग्रुप प्रमेचर वालों को नुकसान हुआ है उसकी तरफ से, उसमें कहा है कि हम कोर्ट में घसीटेंगे मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को। तो क्या कहा है उसके बारे में जानेंगे। एमओडी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ओआरओपी संशोधन में सुप्रीम कोर्ट की दिशा को कमजोर करने की कोशिश कर रहा है, जिसमें कि निर्णय था WC 419 2016 का, उस निर्णय को कार्यान्वयन करने वाली जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की एजेंसी है उसने जो लेटर है उस लेटर को नहीं किया है, और 8/4/2022 के माध्यम से रक्षा मंत्रालय ने पेंशन को प्रभावित किया है। ओआरओपी चार्ट जो तैयार किया गया है वो जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने चार्ट तैयार किया है वो जो रक्षा मंत्रालय है उसने HSC के ऑर्डर की अवहेलना की है, जो HSC सुप्रीम कोर्ट में जो ऑर्डर था उस हिसाब से ओआरओपी नहीं तैयार की गई है। उन्होंने ये भी कहा कि एक्स ग्रुप में 7CPC के बाद एक्स ग्रुप में कई ट्रेडों को ऐसे किया गया था जिसको एक्स ग्रुप दी गई थी। 1/1/2016 से एक्स ग्रुप 6200 रुपये हो जानी चाहिए थी, और इसमें दो फाड़ कर दिए गए हैं, यानी कि अलग अलग दो तरीके से कर दिया गया है, प्री 2016 और पोस्ट 2016 को। इसमें एमओडी ने जो तर्क दिया है इसमें बताया है 5/9/2016 के 7वें CPC के कैबिनेट द्वारा अनुमोदित संकल्प में निहित है, यानी कि एक दस्तावेज ऐसा है जो कि उन्होंने दिखाया नहीं ना तो कभी सार्वजनिक किया था, जिसमें जिसके हिसाब से ओआरओपी दे दी गई, ऐसा सुप्रीम कोर्ट में भी नहीं दिखाया था इन्होंने जो सुप्रीम कोर्ट में दलीलें दी गई थी। 6200 रुपये एक्स ग्रुप वेतन मिलना चाहिए सभी ट्रेडों में, और सभी ट्रेडों में जो जितनी भी ट्रेड बढ़ी है उनको भी मिलना चाहिए, लेकिन उनको अभी तक 3600 रुपये जो ओआरओपी रिविजन में मिल रहा है वो 3600 रुपये मिल रहा है। इस यही वजह है कि एक्स ग्रुप को प्री 2016 को 3600 दे रहे हैं और पोस्ट 2016 को 6200 दे रहे हैं, जिसकी वजह से इनमें जो विसंगतियां आई हैं ओआरओपी रिवीजन में उस वही एक कारण है। इसमें ये कहा गया है कि 6200 रुपये सभी को मिलना चाहिए ना कि 3600 रुपये, यानी कि दो अलग अलग नहीं कर सकते हैं। एमओडी की कार्रवाई 1/7/2019 से ओआरओपी के संशोधन के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित सिद्धांतों को कमजोर करने के लिए उपरोक्त पत्र जारी करके कार्यान्वयन एजेंसी को पूर्व और पोस्ट यानी प्री और पोस्ट 2016 के बीच पूर्व और पोस्ट 2016 के बीच दुर्भावपूर्ण कार्य इरादे से प्रभावित करने के लिए निर्देश देती है, यानी कि जो एमओडी है वो दुर्भावपूर्ण कार्य करके और इसको लागू कर देती है। उन्हें वैध देय वंचित करना सुप्रीम कोर्ट के फैसले का उल्लंघन है, यानी कि उनको 6200 रुपये ना देना सुप्रीम कोर्ट का खुला उल्लंघन है और हमारे देश की सर्वोच्च न्यायपालिका के अधिकार को कमजोर करने का प्रयास है। ये बिल्कुल सही है, सुप्रीम कोर्ट ने जब ऑर्डर दे दिया है तो इसमें
जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है ये कैसे चेंजमेंट कर सकती है। ये थी जानकारी इस वीडियो में, इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब जरूर करके रखें जिससे कि लेटेस्ट जानकारी आपको मिलती रहे। थैंक यू, जय हिंद।